तो भेज इस ग्रुप को आजाद करो, शहीदों को जेल में आजाद करो, इनको नजर जिंदार किया गया है, इनको आजाद करो। इंसाफ, 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 जस्टिस, 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 वही वर्ड। मेरा सब कुछ छीन लिया, अब मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे भी इनके साथ दफन करो, इनकाउंटर बना दो, इनकाउंटर बना दो, उसको भी, आपको फिर इनाम मिलेगा ना, तुम्हारी माई और बहने शाबाशी देगा ना, क्योंकि भारत के सैनिक यहाँ तो ये बोलते हैं ना, ये फेक इनकाउंटर करके पैसे निकाल के और मेडल जीत के फिर बोलते हैं जश्न मना मेरे बच्चों, और घर में पैसे बेच के जश्न मनाते हैं। आज का ये जो प्रोटेस्ट है ये दो पॉइंट्स पे था, आज का ये प्रोटेस्ट दो पॉइंट्स। इंसाफ, 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 हम कुछ नहीं मानता है, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम मुसलमान है, हिंदुस्तान, हम इंसाफ चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए, हमें कोई कुछ नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, अगर हिंदुस्तान में इंसाफ है हमको दे दो, हम मजलूम है, मजलूम मजलूम रहते हैं हिंदुस्तान में मुसलमान, हमको इंसाफ दे दो, पैसे और कुछ नहीं चाहिए। ये 15 साल और 14 साल का लड़का तालिब बोल, हमें इंसाफ चाहिए, हम उसकी लाश दे दो वापस, लाश दे दो उसका, लाश दे दो वापस, हमें और कुछ नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, बस इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। इनकाउंटर पे तहकी करो, बैठा करो, एक मिनट भाई। हाँ जी बोलिए। मेरा नाम उमर है, मैं एक एक्टिविस्ट हूँ, सोशल एक्टिविस्ट। हम कोई गलत बात नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि एक प्रूफ होना चाहिए, जिस तरह मजदूरी के 3 मजदूरों को बेदर्दी से मारा गया और पहले कहा कि ये फॉरेन मिलिटेंट्स है, और लास्ट में जब प्रूफ जो सच निकला वो ये निकला कि उनको बेदर्दी से मारा गया था, इनोसेंट किलिंग थी। कल डीजी साहब बोल रहे थे जम्मू में कि फोर्स से गलती की गुंजाइश नहीं है, अगर फोर्स से गलती की गुंजाइश नहीं है तो वो कैप्टन वो जो कह रहा है कि अभी की पुलिस कह रही है कि करते हैं कि मेहरबानी करके इन मासूम बच्चों की तरफ देखो, इन मासूम बहनों की तरफ देखो जो आपको बोल रहे हैं कि हमें एक लाश वापस दी जाए, डेड बॉडी वापस दी जाए, और सेकेंड इसका प्रूफ होना चाहिए।